इंडक्शन हीटिंग। इस वीडियो में हम इंडक्शन हीटिंग समझेंगे। इंडक्शन हीटिंग क्या होती है? इंडक्शन हीटिंग वो मेथड है जो किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के एक लोकलाइज्ड एरिया को गर्म करती है, हीट करती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के कारण उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट में एडी करेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनके कारण इंडक्शन हीटिंग होती है। इंडक्शन हीटिंग जैसा कि मैंने बताया एडी करेंट के कारण होती है। तो मेटल के अंदर जो एडी करेंट प्रोड्यूस होती है वो एडी करेंट जिस तरह से उसमें लॉस होता है, जैसे जैसे वो मेटल के अंदर जाती है एडी करेंट में लॉस होता है, और एडी करेंट का वह लॉस हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इस कारण से इंडक्शन हीटिंग होती है। और फिगर में आप एक सेटअप भी देख रहे हैं जो कि इंडक्शन हीटिंग का सेटअप है। यहाँ पे एक मेटल ऑब्जेक्ट लिया है, उस मेटल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ तार लपेटा है जो कि कॉइल की तरह काम करता है, और एसी वोल्टेज हमने इनपुट के तौर पे दिया है। तो इस सर्किट में एक ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो होती है वो पास ऑन की जाती है। वो मेटल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो तार लपटा हुआ है उसमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो वेरी करता है, चेंज होता है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर पैदा हो जाएगा, जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया जाता है, फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फैराडेस लॉस ऑफ इंडक्शन भी हमने पढ़ा है, वहीं से फॉर्मूला आया है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जहां पर फाई जो है वो फ्लक्स है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। प्रोड्यूस फ्लक्स के राइट एंगल का जो क्लोज पाथ है वह एक सेकेंडरी के रूप में काम करेगा, और इसके पास एक डेफिनेट रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा, और इसी कारण से हीट प्रोड्यूस होती है उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर। स्क्रीन में आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मेटल ऑब्जेक्ट है, और इस मेटल ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्लोज पाथ है एडी करेंट्स के लिए, और हर एक के पास रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो मान लीजिए इस मेटल ऑब्जेक्ट में हमने इनपुट के तौर पर करंट दी आई, तो इस आई करंट के कारण जो एडी करंट इंड्यूस होगा वो है I1, I2, I3, और स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। आउटर मोस्ट एडी करंट I1 जो फ्लक्स पैदा करता है वो फ्लक्स उस फ्लक्स को अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ हो। तो I1 ये आउट ऑफ फेज रहेगा करंट I के, तो I1 जो है वो आउट ऑफ फेज है करंट I के, जिस कारण से ऑब्जेक्ट के अंदर जो फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाता। इस कारण से जो एडी करंट है I2, I3, I4 एटसेट्रा, ये एक तरीके का पार्शियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड मटेरियल के अंदर पैदा करती हैं। तो मेटल सरफेस के एक्स डेप्थ अंदर जो करंट डेंसिटी रहेगी, इंड्यूस करंट डेंसिटी J, वो दी जाती है। जो इक्वेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उस इक्वेशन से इंड्यूस करंट डेंसिटी J दी जाती है। तो इस इक्वेशन में HO इम्प्रेस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, डेल इज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन सेंटीमीटर, मतलब वो डेप्थ जहां पर की करंट डेंसिटी सरफेस की तुलना में 37% कम हो जाती है। तो इक्वेशन वन थी हमारी J इज इक्वल टू 2√2 अपॉन √डेल HO e रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन डेल। इक्वेशन वन से ही निकलेगा हमारा सरफेस की करंट डेंसिटी, वो है यदि JO, तो JO इज इक्वल टू 2√2 अपॉन √डेल HO। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मिला दें तो हमारी इक्वेशन वन हो जाती है अब J इज इक्वल टू JO e रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डेल। तो हमारी इक्वेशन थ्री थी J इज इक्वल टू J0 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन डेल। इक्वेशन थ्री हमें बताती है कि एडी करेंट डेंसिटी सरफेस पर मैक्सिमम होती है,
और जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, ये एक्सपोनेंशियली कम होती जाती है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली किस तरीके से सरफेस डेंसिटी कम होगी। जब डिस्टेंस डेल है तो आप देख लीजिए करंट डेंसिटी कहाँ पे है, फिर टू डेल है तो कम हुई, थ्री डेल है तो और कम होगी, फोर डेल में और कम होगी, तो एक्सपोनेंशियली ये सरफेस डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। मेटल में एडी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मेटल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा सरफेस डेंसिटी मेटल सरफेस पर कंसंट्रेट करेगी। देखिए कहाँ कंसंट्रेट करेगी, मेटल सरफेस पर कंसंट्रेट करेगी, और इस इफेक्ट को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो एडी करंट का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फ्रीक्वेंसी पर जिस तरह से डिपेंड करता है वो रिलेशन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो ये है डेल इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट 10^-9 म्यू आर सिग्मा एफ। अब देखिए इस रिलेशन से बिल्कुल क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं, डेल्टा की वैल्यू कम होती जाती है। तो एफ बढ़ेगा, डेल्टा कम होगा। डेल्टा कम होगा मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगा, कम डेप्थ तक एडी करेंट पेनिट्रेट करेंगे। म्यू आर जो है वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमियबिलिटी है, सिग्मा मेटल की कंडक्टिविटी है, और एफ तो फ्रीक्वेंसी है ही, हीटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है एफ। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फ्रीक्वेंसी पे कुछ मेटल्स के लिए किस तरह से डिपेंड करती है वो हमने स्क्रीन पे देखा। क्या कौन कौन सी मेटल ली है, हमने मेटल ली है आयरन, कॉपर, ब्रास और लेड। और इन सब के लिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल्टा की वैल्यू कम होती जा रही है। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग जो मेटल सरफेस होता है उस पर ही कंसंट्रेट करती है, डेप्थ पे कम रहती है। तो इस कारण से जब हमको किसी सरफेस को हार्ड करना हो, स्टील के किसी सरफेस को हार्ड करना हो, तब इंडक्शन हीटिंग बहुत काम में आती है। इसके अलावा किसी हमें वर्क सरफेस पे, मेटल सरफेस पे हाई हीटिंग रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 kW/sq cm की जरूरत हो, तब भी हम इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। जो मेटल सरफेस हम हीट कर रहे हैं उस पे हमारे पास रिजिड कंट्रोल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। हीट जिस हिसाब से ट्रांसफर हो रही है, एक्यूरेट जितनी हीट हमको ट्रांसफर करनी है उतनी हीट ही ट्रांसफर होगी। अगली बात यह है कि इंडक्शन हीटिंग से क्विक हीटिंग होती है, कन्वेक्शन और रेडिएशन के कंपैरिजन में इंडक्शन हीटिंग के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है। इंडक्शन हीटिंग वैक्यूम में भी हो सकती है, इनर्ट गैस में भी हो सकती है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और जहां पर इंडक्शन हीटिंग की जाती है वो जगह साफ सुथरी भी रहती है, वहां कोई गंदगी नहीं होती। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहला तो डीमेरिट ये है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा है, और इक्विपमेंट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए उतनी इकोनॉमिकल नहीं है, थोड़ी महंगी पड़ती है। इंडक्शन हीटिंग हमको अदर हीटिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी पड़ती है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्शन हीटिंग। तो इंडक्शन हीटिंग है वो एडिसो बॉन्डिंग के रूप में भी हमें काम करती है। जहां पे क्लच प्लेट्स को हमें बॉन्ड करना हो, ब्रेक शू को बॉन्ड करना हो, उस जगह पे हम इंडक्शन हीटिंग करते हैं। एनीलिंग के काम भी आती है। एनीलिंग क्या होती है, एनीलिंग एक तरह की हीट प्रोसेस होती है जिसके कारण मेटल की डक्टिलिटी तो बढ़ जाती है लेकिन हार्डनेस रिड्यूस होती है। तो हमें किसी मेटल की यदि डक्टिलिटी बढ़ानी हो, हार्डनेस उसका कम करना हो, तो वहां पर हम एनीलिंग का यूज करते हैं। ब्रेजिंग। ब्रेजिंग वो प्रोसेस होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा मेटल पीसेस को या जो सेरेमिक मटेरियल होते हैं उनके पीसेस को हम जोड़ते हैं। किसके थ्रू जोड़ते हैं, यहां पे हम सिल्वर का यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय का यूज कर सकते हैं, या कॉपर का यूज कर सकते हैं। चूंकि ब्रेजिंग में हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है,
सोल्जरिंग के कंपैरिजन में ब्रीजिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, इसलिए हम यहाँ पे ब्रीजिंग का यूज करते हैं। तो वो मटेरियल जहाँ पे कि बहुत ज्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करना हो, वाइब्रेशंस या टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा हो रहा हो, वहां पे जब हम एक तरह की वेल्डिंग करते हैं वो, या जिसको हम ब्रीजिंग कहते हैं, वहां पे हम इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। मेल्टिंग में भी इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। नॉन फेरस अलॉयस हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, इनको जब हमें मेल्ट करना हो तो यहाँ पे हम इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। इंडक्शन हीटिंग का यूज करते समय ऑटोमेटिक नेचुरल स्टिरिंग भी हो जाती है, जिस कारण से पूरा का पूरा जो मेटल पीस होता है वो यूनिफॉर्मली मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा इंडक्शन हीटिंग के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे वेल्डिंग में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जो क्लचेस होते हैं, सिंटरिंग पाउडर मेटल्स होते हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब हमें बॉन्डिंग करनी है, यहाँ पर हम इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंडक्शन हीटिंग को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।